हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आपका दूसरा दोस्त रोशा लेकर आ गया एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक और दिन आपको दिखाने वाला हूँ मेरी लाइफ का। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत हो गई है, सानिध्य बाहर खड़े हैं और हम जाने वाले हैं चावल लेने बाहर। जी हाँ दोस्तों, कैंटीन से चावल हमें एक युआन में मिल जाते हैं, मतलब एक बंदे के लिए एक युआन काफ़ी होता है। तो हम तीन चार बंदे हैं, तीन बंदे हैं तो हम 3 युआन का लेके आएंगे। तो और दूसरी बात, हम आज बना रहे राजमा चावल। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि राजमा कहाँ से लाए ये चाइना में। तो दोस्तों यहाँ पे राजमा हम आरटी मार्ट से लेकर आए थे, जो कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको दिखा रखा है कि आरटी मार्ट कैसा होता है। तो अगर जिन्होंने वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ देख ले, क्योंकि मैं हर दिन व्लॉग डालता रहता हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग व्लॉग डालता हूँ। तो अगर आप व्लॉग देखते हैं तो उसे लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो दोस्तों हम चल दिए हैं सानिध्य भाई के साथ चावल लेने, क्योंकि आज हमें बनाने हैं राजमा चावल। और राजमा चावल बनाने हैं, ज़्यादा मुझे काम तो करना नहीं है। मेरा ज़्यादातर काम रहता है बर्तन धोने का, वो मैंने धो ही चुका था परसों। आज है सानिध्य भाई का काम और प्रतिभा का काम। तो देखते हैं आज कैसे बनते हैं राजमा चावल, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। सानिध्य भाई की कारिस्तानी भी दिखाएंगे, कितने शानदार कुक हैं ये। तो भाई सानिध्य भाई को देखिए, ये इनका एक ये कान में लगा के ठूस के खड़े रहते हैं और वाइब लेते रहते हैं और काटते रहते हैं। मेरा काम खत्म हो चुका है, मुझे सिर्फ बर्तन धो रहे थे, वो मैं धो चुका हूँ। और ये देखिए, ये कट रहा है, ये हमने भिगोने मतलब ये से उबालेंगे अब, जिससे ये थोड़ा क्या कहते हैं भाई, जिससे थोड़ा गल जाए। ये हमारे मसाले हैं, देखिए ये सीड्स निकालनी है क्या? नहीं, ये देखिए हमारे मसाले, सारे मसाले हैं हमने बड़ी मुश्किल से जमा करे हैं यहाँ पे। ये हमारा तेल है, ये देखिए मसाले डल रहे हैं इसमें। आज संजीव कपूर आपको दिखाएंगे कैसे बनता है राजमा। पहले इसे आधे घंटे तक राजमा को डालिए पानी में, फिर उसके बाद कुकर में पानी डालकर, थोड़ा तेल डालकर, थोड़े से मसाले डालकर इसे हिलाइए। फिर ऊपर फिर क्या करना है, अभी रुक जाइए, बताते हैं बताते हैं। फिर डालिए पत्ता, पता नहीं किसका पत्ता है ये, ओके तेज पत्ता। फिर लगाइए ऊपर से ढक्कन, इसमें सानिध्य का काम आएगा। सानिध्य सानिध्य नहीं 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 हो गया, हो गया, पहली बार मेरे से हो गया यार, क्या है। तो अब इसे उबालने के लिए रख दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अरे घूम घूम रही है ये, देखिए दोस्तों ये हमारी फिरकी सी बन जाती है, आपने इंडिया में देखा होगा ऊपर हो जाता है ये देखिए। हा हा हा, आपने देखा होगा इंडिया में जब सीटी लगती है तो ये ऊपर को जाता है, बट यहाँ नहीं होता है, यहाँ ये घूमता रहता है जैसे बेबलेड हो। देखे दोबारा घूमेगा जब प्रेशर बनेगा, तो काफी शानदार है, काफी सेटिस्फाइंग लगता है देखने में। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, क्या बात है क्या बात है। फिर हम डालेंगे ये सामान, इसकी शक्ल देखिए दोस्तों, कितना कर्मठ लड़का है हमारा, ये देखिए। अय हाय हाय, और ज्यादा बनावट करके दिखाएगा ये लड़का, ये देखिए। चटनी बनाएगा क्या भाई इसकी, अब चटनी नहीं बनानी होती है इसकी भाई, थोड़ा ही कहा था कि थोड़ा ही करना है, ये क्या कर दिया, लोगों की दया से यही करना पड़ेगा, मिक्सर मंगा नहीं रहे। कोई नहीं भाई, पैसे निकालिए, हम मिक्सर मंगाएंगे। अब यहाँ पे तेरी यूट्यूबर वाली लाइन आ चाहिए, दोस्तों आप जब सब्सक्राइब तो दोस्तों आप जब सब्सक्राइब करेंगे हम इस मिक्सर खरीद पाएंगे, हम मिक्सर खरीद पाएंगे और इस भाई को थोड़ा आराम दे पाएंगे। देखिए कितनी मेहनत कर रहा है ये, 2 लाइक तो बनते हैं दोस्तों इसके लिए, 2 लाइक दोस्तों, कितनी मेहनत कर रहा है ये। प्लीज प्लीज लाइक फॉर सानिध्य, हैशटैग सेव सानिध्य फ्रॉम क्या कहते हैं उसे, चाइल्ड लेबर।
सानिध्य ने ट्राई किया था, हमारे मास्टर शेफ ने, उन्हें कच्चे लगे तो हम दोबारा कर रहे हैं। सानिध्य ब्रो कितने कच्चे थे, मतलब कितने परसेंट कच्चे थे? कैसे होता है कितने कच्चे थे, बस ये मान लो एक सीटी और लगानी। नहीं फिर उसको पुल कर देना। क्या सानिध्य हमारा वो है हीरो व्लॉग्स का। दोस्त अगर सानिध्य को पैसे दिलवाना है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी चाहिए सानिध्य का जो आई नो बताना तो भी क्या सानिध्य अभी आपने क्या बताया, अपने प्रवचन अपने मुंह से निकालिएगा, क्या बताया अभी आपने? मैं ये कह रहा था कि लिड लगाने से इसका टेक्सचर थोड़ा चेंज होता है। अच्छा अच्छा थोड़े कलर का। संजीव कपूर पार्ट टू हमारे यहाँ पे आ चुका है। और बताइए कुछ, और बताइए कुछ खाने के साइंस के बारे में। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा जो राजमा है वो बनकर तैयार होने लग गया था। आप देख ही सकते हैं इसमें और पानी डलेगा और ज़्यादा निखर के आएगा कलर। और फिर उसके बाद हमने जो हम कैंटीन से चावल लाए थे स्टार्टिंग में, आपने देखा ही होगा, फिर हमने उसे ज़ीरा राइस बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा ही, क्योंकि वो काफ़ी ब्लेंड हो जाते हैं जो वहाँ से चावल आते हैं, तो ये वाली बात हो जाती है। तो दोस्तों सानिध्य और मैं चल दिए खाना लेकर अपना, जो हमारा खाना बन चुका था तो हम जा रहे हैं अपने रूम में। तो फिर उसके बाद हम खाना खाने के बाद चल दिए लाइब्रेरी पढ़ने। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आया था पढ़ने, थोड़ा सा लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी तो नहीं कह सकते हैं, क्लास ही है, तो ये इस तरीके की क्लास है। तो हम यहाँ बैठते हैं, है ना, इस तरीके की क्लास है। ये देखिए इतनी सारी क्लास है, कोई सी भी खोल सकते हैं आप। जैसे यहाँ नहीं पढ़ रहा था तो आप यहाँ भी देखिए, ये पूरी की पूरी क्लास होती है। तो आप यहाँ बैठ सकते हैं आराम से, हीटर चलाइए, बैठिए, अकेले बैठिए, पूरा रूम खाली होता है, कुछ करिए, मतलब ऑब्वियसली पढ़ाई करिए, है ना। और यहाँ पे गार्ड होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आया था तो अब तो बस ऐसी बात है। तो इस तरीके से आप यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो आप बाहर आइए, यहाँ बैठिए, हीटर चलाइए, मस्त बैठिए, पढ़िए जितनी देर तक आपको रहना है यहाँ पे। रात को बंद हो जाती है लाइब्रेरी, तो ये वाली बात हो जाती है। थोड़ा 2-3 घंटे हो गए लाइब्रेरी में, सोच रहे हैं कुछ लेकर आता हूँ अपने लिए खाने का, है ना। चलते हैं स्टोर, कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या लाता हूँ। सर्दी का क्या हाल है, तो यहाँ पर -8 चल रहा है, और -8 में आप जानते ही हैं कि क्या सर्दी होती है, तो वैसे ही है। जैकेट पहन रखी है, आपको लगता होगा मैं ब्लैक जैकेट हमेशा क्यों पहने रखता हूँ, भाई कुछ चीज़ें होती हैं जो काफ़ी पसंद होती हैं आपको, और दूसरी बात ये भी है मुझे पसंद भी, और साथ में इसको अंदर सर्दी लगती भी नहीं है, तो वो वाली बात हो जाती है। इसलिए बेस्ट है भाई, पहन के चलो मस्त रहता है। और टोप भी ओढ़ लेना चाहिए, फैशन वैशन कुछ नहीं है, हाँ ऐसे बेस्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्टोर बंद पड़ा है, ये अपना स्टोर है बाहर से ऐसा, वो अपना ग्राउंड का जगह है वहाँ पे, ये पूरा का पूरा स्टोर बंद पड़ा है, देखते हैं क्या करते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ वेंडिंग मशीन मिली है, तो इस तरह की यहाँ पर वेंडिंग मशीन होती है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे कर रहे हैं, जैसे ये 31 नंबर लिखा है, तो आप यहाँ पे 31 डाल दीजिए, और 1 कहाँ है, 1 शायद 1 यही है, नहीं 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 ऐसा नहीं, 31, तो उसका ये बता देगा कितने पैसे हैं, 31 नंबर का कितने पैसे हैं, और ये आप स्कैन करके अपने अलीपे और वीचैट से कैसे भी आप पे कर सकते हो। तो इस तरीके से वेंडिंग मशीन चलती है। तो अब देखते हैं हम क्या लेते हैं, कुछ ठीक ठाक सा लग भी रहा है या नहीं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मेरा दिन गुजरा था, है ना, पूरा दिन जो मैंने आपको दिखाया है, मैं हर दिन ब्लॉग डालता हूँ, प्लीज़ 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 थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, है ना। और फिर हमने आकर शाम को पराठे बनाए थे राजमा के साथ, सानिध्य भाई देखिए रोटी को बेल रहे हैं, प्रतिभा सेक रही है, तो ये वाली बात हो जाती है। तो प्लीज़ ब्लॉग्स को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में।